हमारे शास्त्रों का सबसे बड़ा उद्घोष है सत्यमेव जयते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, सत्येनोक्तम् हि तापोहि। तो ये धरती सत्य से चलती है और कर्म फल व्यवस्था और भगवान की न्याय व्यवस्था उसको कोई टाल नहीं सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नियत, उनकी नीतियां, नेतृत्व और चरित्र पर देश के करोड़ों लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि जो उन्होंने कहा उसको डिलीवर किया। और यह चुनाव मात्र 5 वर्षों के लिए नहीं, मुझे विश्वास है आने वाले 20-25 वर्षों की भारत की राजनीति को तय करने वाला है, क्योंकि जो 100 से अधिक राष्ट्र निर्माण की योजनाएं मोदी जी ने शुरू की थी उनका फाउंडेशन डल गया था। अब उस पर विकास का भवन जो खड़ा होगा, तो जो मोदी जी का सपना है इस देश से गरीबी का उन्मूलन भी होगा और भारत मुकाबला कर पाएगा अमेरिका, चीन, जापान, रशिया जैसे देशों का भी, और भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से एक सबल राष्ट्र बनेगा। योग बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है और आज भी हम यहाँ पीजीआई में इसलिए आए हैं कि योग, आयुर्वेद और जो भी हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम है उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ करके हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता की एक नए युग की शुरुआत करें। स्वामी जी, की डॉक्टर की क्या जीत गई है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था खासे नाराज है उससे, काफी माफ, कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जहां तक साध्वी प्रज्ञा का प्रश्न है, उनको खाली शक के आधार पर बहुत अमानवीय यातनाएं दी गई और नाथुराम गोडसे के संदर्भ में उनका जो वक्तव्य था वो मोदी जी को क्या किसी भी भारतीय को नागवार गुजरेगा। सर, क्या कारण आप प्रचार से थोड़ा आपने ये बनाए इस बार? मेरा मूल धर्म योग धर्म अध्यात्म धर्म है। जब इस देश में एक पॉलिटिकल एनार्की और पॉलिटिकल वैक्यूम था उस समय हमने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी सक्षम है और उसमें जो हमें कहना चाहिए था बीच में 8-10 बार कह दिया था, आप सब जानते हो। राहुल गांधी अमेठी से हार गए। देखो, कांग्रेस पार्टी अनाथ होने से बच गई, ये क्या छोटी उपलब्धि है कि उन्होंने वायनाड से चुनाव जीत लिया। तो ये राजनीति का एक अलग तरह का मामला है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।